नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के इरोड के एंड्योर से पलानी जा रही सरकारी बस की दुर्घटना टली। कल शाम 4:50 पर इरोड जिले के एंड्योर बस स्टेशन से 40 यात्रियों को लेकर एक सरकारी बस भवानी इरोड होते हुए पलानी जा रही थी। उस समय ओटुनार उडुमलाई निवासी सेंथिल कुमार, जो एंड्योर के पास कट्टूर बस स्टैंड के पास यात्रा कर रहे थे, को अचानक दौरा पड़ा। ड्राइवर की कुशलता से बस तुरंत सड़क के बाईं ओर मुड़ गई। जब इस बात की जानकारी कंडक्टर को हुई तो मुरुगेसन को दौरा पड़ा। कंडक्टर मुरुगेसन ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाया और ड्राइवर सेंथिल कुमार को एंड्योर सरकारी अस्पताल ले गए। तब कंडक्टर मुरुगे सांगलाई ने एंड्योर सरकारी वर्कशॉप को फोन करके मैनेजर रमेश को सूचित किया। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर कन्नन, जो एंथियूर शाखा में काम करता है, को भेजा और पलानी बस में यात्रा कर रहे 40 यात्रियों को एक वैकल्पिक बस में भेजा ताकि बस को एंथियूर सरकारी कार्यालय में लाया जा सके। तदनुसार सभी को एक वैकल्पिक बस में ले जाया गया और सरकारी बस, जो कि पलानी सरकारी कार्यशाला का एक वाहन है, को एंथियूर कार्यशाला में लाया गया और पलानी कार्यशाला के प्रबंधक को जानकारी दी गई। ड्राइवर की कुशलता से बस के यात्री बिना किसी चोट के सुरक्षित रुक गए। बस के यात्रियों ने भगवान और बस ड्राइवर को धन्यवाद दिया और दूसरी बस में चढ़ गए। इससे उस इलाके में कुछ देर के लिए उत्तेजना फैल गई। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट। चले, चले। சரி.